पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हे प्रेमय पिता, आपने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आपको हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु येसु, आपने हमको प्यार किया और हमको अंत तक प्यार किया। आपने कहा है कि किसी का भी प्रेम इससे बढ़कर नहीं है कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण निछावर कर दे। पिलातुस के महल से कलवारी पहाड़ तक क्रूस्ट होते हुए आपने जो यात्रा की और उस पहाड़ी पर भयंकर यातनाएं सहते हुए निंदा सूचक क्रूस पर जो आत्म बलि चढ़ाई, वह आपके अथाह प्रेम का उज्जवल प्रकटल था। खून और आंसुओं से भरे उस रास्ते से होकर दुखित माता के साथ हम भी आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं। अपना अपना क्रूस लेकर अनंत जीवन की तरफ जाने वाले संकीर्ण रास्ते में आगे बढ़ने की कृपा हमको प्रदान कीजिए। की इच्छा स्वीकार कर कुर्बानी क्रूस की, जनता की राय मान कर दंड सुना दिया। अब्बा की इच्छा स्वीकार कर कुर्बानी क्रूस की, जनता की राय मान कर दंड सुना दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पहला विश्राम, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण के पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पाता है, फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राणदंड की आज्ञा सुनाता है। वह पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोते हुए कहता है, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ। पास्का पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा के अनुसार राज्यपाल एक कैदी को रिहा करता था। लोग बराबस नामक डाकू को रिहा करने की मांग करते हैं और पिलातुस उसे रिहा कर देता है। वह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। हे प्रभु यीशु, पिलातुस के सामने मौन साधना आपके लिए संभव था, क्योंकि आपका यह अटल विश्वास था कि पिता ईश्वर हर हालत में आपके साथ हैं
और उनकी रहस्यमय प्रज्ञा के सामने कौन बोल सकता है। आपने कहा था, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हमारी मुक्ति का साधन क्रूस हमेशा आपके साथ था। निर्दोष होकर भी हम पापियों को बचाने हेतु आपने प्राणदंड की आज्ञा ग्रहण की और क्रूस मरण स्वीकार किया। हमारे अपराध क्षमा कीजिए तथा हमें पवित्र जीवन बिताने में मदद कीजिए। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। प्राणदंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज ईश ने क्रूस स्वीकार किया। यीशु के प्राणदंड से हम सबको मुक्ति स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। सैनिक यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र करते हैं। वे उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोंगा पहनाते हैं, कांटों का एक मुकुट गोंद कर उनके सिर पर रखते हैं और उनके दाहिने हाथ में सरखंडा थमा देते हैं। तब उनके सामने घुटने टेककर वे ये कहते हुए उनका उपहास करते हैं, यहूदियों का राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरखंडा छीन कर उनके सिर पर मारते हैं। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे यीशु के कंधे पर क्रूस ला देते हैं और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चलते हैं। यीशु मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस रास्ता शुरू करते हैं। हे प्रभु, आपको इसी का इंतजार था। आपकी दृष्टि क्रूस पर ही टिकी हुई थी, वही मानव मुक्ति का साधन था। शैतान जितना आपको क्रूस से हटाने का तंत्र रचता था, उससे भी अधिक तीव्र आपकी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के वृक्ष को अपने कंधे पर रखकर उसके मुक्ति के फल मानव संतानों को खिलाएं। आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद देकर हम आज दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि शैतान के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपकी शक्ति पर निर्भर रहकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आपकी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कीजिए कि मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित न होऊं, बल्कि निडर होकर उस पर ईमानदारी से चल सकूं। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर,
मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। धरती पर गिर कर उठते हैं, धरती के सृजन मानव पाप संख्य से गिर गए पालन धरती पर गिर कर उठते हैं, धरती के सृजन यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तीसरा विश्राम, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेत्रुस ने उन्हें अस्वीकार किया, अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। कोड़ों की मार से उन्हें असह्य दुख झेलना पड़ा था। क्रूस बहुत ही भारी था, वे फिसल कर जमीन पर गिर जाते हैं। हे प्रभु, नबी ईसाया ने आप ही के विषय में कहा था, मैं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। हे प्रभु, आप हमारे पापों के बोझ के कारण ही धरती पर गिर पड़े, लेकिन हम पापियों के प्रति प्यार के खातिर आप पुनः उठकर क्रूस धोते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके असीम प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम पुनः पाप नहीं करेंगे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढारस दिया। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, दिल के दर्द से पुत्र को ढारस दिया।
पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौथा विश्राम, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के दिन माता मरियम और संत यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित कर रहे थे, तब सिमेओन नामक धर्मी ने बालक यीशु को गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति करने के बाद माता मरियम से कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अब वह कथन पूरा होता है जब शोकाकुल माता मरियम की मुलाकात क्रूस लेकर आगे चलने वाले अपने प्यारे पुत्र से होती है। दोनों को अपार वेदना महसूस होती है, फिर भी वे अपने दुखों को बोलकर एक दूसरे के लिए आत्मीयता प्रकट करते हैं। हे प्यारे प्रभु, आपकी माता अंतिम क्षण तक आपके साथ रही। उन्होंने आपके मुक्ति कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। हमारे जीवन में दुख तकलीफ एवं कठिनाइयों के समय उन्हीं की स्नेह भरी मध्यस्थता से हम भी मुक्ति का अनुभव कर सके और एक दिन स्वर्ग पहुंच सके। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। दर्द से पीड़ित यीशु को सिमोन ने दिया सहारा। यीशु के क्षीणित तन मन को पल भर आराम मिला। दर्द से पीड़ित यीशु को सिमोन ने दिया सहारा। यीशु के क्षीणित तन मन को पल भर आराम मिला। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया। पांचवा विश्राम, कुरेन निवासी सिमोन यीशु को क्रूस ले चलने में मदद करते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चलते हैं, ये सोचकर कि कमजोरी तथा थकावट के कारण यीशु यह यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। सैनिक सिकंदर और रूफुस के पिता कुरेन निवासी सिमोन, जो खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं।
हे प्रभु येसु, यह सीमोन का सौभाग्य था कि वे क्रूस यात्रा में आपकी सहायता कर सके। हमें भी आपके मुक्ति कार्य में सहयोग देने के असंख्य अवसर मिलते हैं। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि हम ऐसे अवसरों को पहचान सके और आपकी मदद करने में तत्पर बने रहे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु को अंगोछा देती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु की दुख भरी यात्रा आगे बढ़ती है। उन्हें सिपाही मारते जाते और उनका उपहास करते रहते हैं। इन सब विरोधियों के बीच वेरोनिका नामक एक स्त्री यीशु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तथा सांत्वना देना चाहती है। वह सैनिकों के बीच में से यीशु के पास आती है तथा अपना तौलिया निकालकर यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। उस समय यीशु के पवित्र मुख का रूप उस तौलिये पर चमत्कारिक रूप से छप जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे तथा सारी मानव जाति के पापों के खातिर आपको असह्य दुख सहना पड़ा। आज के समय में हिंसा से पीड़ित लोगों में आपकी प्राण पीड़ा झलकती है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस दुनिया में हिंसा को रोकने की चेष्टा कर सके तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सके। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। की कठोर पीड़ा असह्य बनती गई, दुर्बल होकर प्रभु यीशु धरती पर गिर गए। दुश्मनों की कठोर पीड़ा असह्य बनती गई।
सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। सातवां विश्राम, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा के बीच यीशु अपने को परित्यक्त महसूस करते हैं। उनकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। सैनिक उनकी हंसी उड़ाते हैं और उन्हें घसीटते खींचते हैं। क्रूस के बोझ के नीचे वे दूसरी बार गिर जाते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी असंख्य पापों ने ही आपको बार बार गिराया है। पाप के कारण गिरे हम पापियों को आपकी शक्ति पर आश्रय रखकर पुनः उठने तथा पश्चाताप कर आपके पवित्र मार्ग पर वापस आने की कृपा दीजिए। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। ओंकारुदन विलाप पालनहार की खातिर, सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। नारी ओंकारुदन विलाप पालनहार की खातिर, सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया। आठवां विश्राम, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए विलाप करती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। उनमें नारियां भी हैं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही हैं। यीशु उनकी ओर मुड़कर कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी लकड़ी का क्या होगा?
हे प्रभु येसु, आपने अपने दुखों को भूलकर यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना दी। आपने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ते समय हम अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, दुख और कष्ट के समय भी उनकी मदद कर सकें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। निर्बल का साथ देकर क्या अपराध किया, सबों का बोझ लाद कर गिरने दिया ने। निर्बल का साथ देकर यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। नौवा विश्राम। यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अब यीशु को आगे चलना असंभव सा लग रहा है। वे अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहते गए और चुप रहे। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें असहाय शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। उनके खून की बूंदें जमीन पर टपकती रहती है। उन्हें इतनी थकान महसूस होती है कि वे आगे चल नहीं पाते और पुनः धरती पर गिर जाते हैं। हे प्रभु येसु, आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हमारा असंख्य पापों और अन्य गुनाहों ने आपको बार बार धरती पर गिराया। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए आपसे विनती करते हैं, हम पापियों पर दया कीजिए और हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। जब हमारा जीवन का बोझ असह्य बन जाता है, तब हम निराश न हो बल्कि आपकी कृपा से उसे हमारी और सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए अर्पित कर सके। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। Oh,
जाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। दसवां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुखों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कलवारी पहुंचने पर सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। उनके घावों से निकले रक्त के कारण शरीर से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयता पूर्वक खींच कर उतारते हैं। सैनिक उनके कपड़े ले लेते हैं और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों को चार भाग कर देते हैं, हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सिवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। वे आपस में कहते हैं, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख ले कि यह किससे मिलता है। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का एक कदन पूरा हो जाता है। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी ढाली। हे प्रभु यीशु, जब क्रूर सैनिकों ने आपका कपड़ा उतारा था और आपका अपमान किया, तब आपने चुपचाप सब कुछ सह लिया। आपने अपने जीवन की कुर्बानी देकर मनुष्यों को ईश्वरीय गरिमा का वस्त्र पहनाया। हमारी मदद कीजिए कि हम अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार न करें और उसकी वासनाओं के अधीन ना रहें। आपकी कृपा से हम शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें और आपको धारण करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। बनाने सभी को यीशु ने कुर्बानी दी, कलवारी के शिखर चढ़े कर शैतान को कुचल दिया। अमर बनाने सभी को यीशु ने सभी करुणामय
यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। ग्यारवां विश्राम, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। वे उस जगह पहुंचते हैं जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां पर सैनिक यीशु के हाथ पैरों पर कीले लगाकर उन्हें क्रूस पर ठोक देते हैं। पिलातुस इब्रानी, लातिनी और यूनानी भाषा में एक दोष पत्र लिखवा कर क्रूस पर लगवा देता है। यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही है। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाएं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा जो हाथ का बना हुआ नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। हमारे समाज में दूसरों के कल्याण के लिए चलने वाले कितने पैरों को बुराई की ताकतें आलोचना की कील लगाकर रोकती है। सत्य और न्याय की सेवा में उठने वाले कितने हाथों को अंधकार की शक्तियां रोकने की कोशिश करती हैं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने हाथ पैरों को तेरे राज्य की स्थापना के लिए समर्पित कर सकूं। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। के प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पेड़ों के प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। बारहवां विश्राम, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं,
क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। वे कलवारी पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। वे उनके साथ दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाते हैं, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। कठोर दर्द महसूस करने के बीच यीशु कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। यीशु ऊंचे स्वर से पुकार कर कहते हैं, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ, और यह कहकर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार नबी ईसाया का कथन पूरा हुआ। वे उन्हें बंदी गृह और अदालत ले गए। कोई उनकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे खातिर पापों का हिसाब चुकाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ऐसा वर दीजिए कि हम यह कभी ना भूलें कि हमारा पुराना स्वभाव आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। हमारी सहायता कीजिए कि हम बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। ममता ने प्यार से जिस सुत को सवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। माँ की ममता ने प्यार से जिस सुत को सवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तेरहवा विश्राम, यीशु की लाश क्रूस पर से उतारी जाती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के यूसुफ, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगता है। अनुमति पाकर यूसुफ यीशु का शव ले जाता है और उसे माता मरियम की गोद में रख देता है। हे माता मरियम, प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के समय से लेकर क्रूस के बलिदान तक आपने हमारे मुक्ति कार्य में सहभागिनी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अपने पुत्र की लाश को अपनी गोद में रखते समय आपने असहाय दुख का अनुभव किया।
हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर आप हमें आशा और आनंद प्रदान करती हैं। हमारी मदद कीजिए कि हम ख्रिस्ती होने के हमारे गौरव के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। कंधों पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। कंधों पर क्रूस लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राग पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामयी यीशु हम पर तू बरसा दया। चौदहवां विश्राम, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमोस मिलकर यीशु की लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार वे उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ चाल्टी की पट्टियों में लपेटते हैं और पास वाली बारी में कुदी हुई नई कब्र में रख देते हैं। कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर वे शोकाकुल हो चले जाते हैं। इस प्रकार नबी इसया का यह कथन पूरा हो गया। यद्यपि उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया था और उनके मुंह से छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उनकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। हे प्रभु, जीवित रहते समय आपको अपना सिर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। मरने पर आपके शरीर को दूसरों की कब्र में रखा गया। सब कुछ के मालिक होने पर भी सब कुछ खोने वाले आपकी विनम्रता में मुझे भी सहभागिता प्रदान कीजिए। स्वर्ग की ओर हमारी इस तीर्थ यात्रा में हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम विनम्रता तथा सहनशीलता के साथ क्रिस्तीय जीवन बिता सके। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। आइए संत पिता के मनोरथ के लिए और पापियों के मन फिराव के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। की प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली, राजाधिराज ईश ने क्रूस स्वीकार किया। यीशु की प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली, स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता, हमारी मुक्ति के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, और आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा आपकी मुक्ति योजना पूरी की, और पाप के बंधनों से छुड़ाकर हमको स्वर्ग राज में वारिस बना दिया। लेकिन आपकी प्रिय संतानों के उस पद में तभी हम पहुँच पाएंगे जब कि हम अपना पापमय पुराना स्वभाव क्रिस के साथ क्रूसित करें। संत पौलुस का कथन हमको याद है, यदि हम क्रिस के साथ मर चुके हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनके जीवन में भी भागी होंगे, हम उन्हीं के समान मरकर उनकी मृत्यु के सहभागी बने हैं, तो उनके साथ पुनर्जीवित होकर नया जीवन व्यतीत करेंगे। हे पिता, पाप से दूर रहकर क्रिस के साथ नया जीवन बिताने की कृपा हमको प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।